मौज मस्ती चाहिए, शिव तीर्थ आइए। मध्य भारत का एकमात्र बेस्ट पिकनिक स्पॉट, जहां मिलेगा वाटर पार्क के साथ बोटिंग, एडवेंचर, पिकनिक, शादी और नाइट कैंपिंग इत्यादि। ऊंचे लोग ऊंची पसंद, शिव तीर्थ मन पसंद। शिव तीर्थ उमरी डैम सामने नागपुर, भूल ना जाना शिव तीर्थ आना। हजरत बाबा सैयद साहब के सालाना उर्स हर साल की तरह इस साल भी वंजारी नगर स्थित दरगाह में धूमधाम से मनाया गया। उसी मौके पर BCN एवं BTP ग्रुप द्वारा भव्य न्यास का आयोजन किया गया था, जहां बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने इसका लाभ उठाया। रबी उल अव्वल 1445 हिजरी बरोज शनिचर की सुबह सैयद बाबा पंच कमेटी के अध्यक्ष जनाब सिराज शेख की अध्यक्षता में परचम कुशाई की पाक रस्म अदा की गई। इस वक्त बड़ी संख्या में अकीदतमंद मौजूद थे। इस मौके के मद्देनजर बरोज इतवार को भव्य न्यास का आयोजन BCN एवं BTP ग्रुप द्वारा भव्य न्यास का आयोजन किया गया था, जहां बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने इसका लाभ उठाया। तो वहीं बाबा सैयद साहब की बारगाह में बाबा की रहमतों का शुक्रिया अदा करते हुए मशहूर कव्वालों ने कव्वालियां गाई, जहां सरकार की महिमा मंडन करते हुए अकीदतमंदों ने न्यास का लुत्फ उठाया। इस वक्त बाबा की दरगाह पर सांसद कृपाल तुमाने समेत पूर्व विधायक अविनाश वाजूरकर आदि विशेष रूप से मौजूद थे। इस पाक मौके पर ट्रस्ट के अध्यक्ष सिराज शेख ने सभी का इस्तकबाल किया। सैयद बाबा के ये सालाना उर्स की शुरुआत आज बड़े धूमधाम से यहाँ हो रही है, और इसका श्रेय हमारे मित्र सिराज भाई जी, जो कि इसके डायरेक्टर है BCN के, और इमरान भाई हमारे खास दोस्त हैं जो आपके सभी समूह के संपादक भी हैं, उनके माध्यम से आज यहाँ पर एक न्याजी का कार्यक्रम आयोजन किया गया। बहुत अच्छा लगा कि सारे भक्तगण आज यहाँ पर अपना दस्तक दे रहे हैं, बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं, और इस बाबा के आशीर्वाद से इस दुनिया में शांति, अमन शांति का वातावरण सदैव बना रहेगा, और देश की प्रगति होते रहेंगी, और हमारे नागपुर जिले की प्रगति होंगी, और BCN की प्रगति होंगी, ऐसी उम्मीद मैं बाबा के सामने करता हूँ, और बाबा को नमस्कार। हजरत बाबा सैयद साहब का ये सालाना उर्स में यहाँ मैं सम्मिलित होके उनका आशीर्वाद लेने यहाँ आया हूँ। मुझे यकीन है कि हजरत बाबा हमें आशीर्वाद देंगे, जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए हमें ताकत देंगे, और इस उर्स में सालाना हमारे बड़े भाई सिराज भाई यहाँ
सामने होकर काफी व्यवस्था करते हैं। बाबा की सदा उनके ऊपर प्रसाद होता है, आशीर्वाद होता है। मैं इस उर्स के में सम्मिलित हुए सारे भाई को अपने तरफ से शुभेच्छा देता हूँ और हजरत बाबा हम सबके ऊपर कृपा बरसे, ऐसे मैं बाबा को आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूँ। मैं तो पहली बार शरीफ हुआ इस कार्यक्रम में, सिराज भाई ने मुझे दावत दी, मैं अभी बेंगलोर से आया डायरेक्ट और इधर ही आया सीधा। तो यहाँ आने के बाद जो माहौल देखा मैंने, तो ये जो सब गोर गरीब लोगों को भी खाना खिलाना और फ्रेंड सर्कल को भी खाना खिलाना, सबकी अलग अलग बढ़िया व्यवस्था यहाँ पे की गई है और हर साल ये करते हैं अभी मालूम पड़ा मुझे, तो अच्छी बात है। और इतना अच्छा सुंदर कार्यक्रम बहुत कम देखने मिलता है, खुद के भरोसे पे करना और चार लोगों से इन्हें समाज को इकट्ठा करके करना, ये अलग चीज हो जाती है। और खुद अकेले आदमी ने इतना बड़ा बोझ उठाना, ये बहुत ही अच्छी बात है और मैं इस प्रोग्राम का शुक्र अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। आज बड़ी शान और शौकत से बाबा साहब का उर्स मनाया जा रहा है यहाँ पे। दरगाह कमेटी, वर्किंग कमेटी, जो भी इस कमेटी से जुड़ा है, सभी को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और जितने भी जायरीन यहाँ पे आए हैं सभी को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। बड़ी खुशी की बात है, अल्लाह के वली की आज न्याज है, आज उर्स है। इस उर्स के अंदर में अमीर गरीब और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं और बाजान के उर्स के मौके के ऊपर में ये सबसे पहले एकता का प्रतीक है। एकता का प्रतीक होने से क्या है, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग यहाँ पे आते हैं। लंगर का इंतजाम किया गया है और लंगर बड़े खुशी शान और शौकत से लंगर खाया जा रहा है और सभी को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। हजरत सैयद साहबों का सालाना उर्स रहता है और उस मौके पर यहाँ न्याय हमेशा होती है और बाबा नागपुर शहर के अंदर में सभी लोग बाबा के दर्शन करने आते हैं और न्याय का एक बहाना रहता है, लेकिन बाबा की ज्यारत हो जाती है, बाबा के दर्शन हो जाते हैं, इसलिए लोग सब चले आते हैं और यहाँ जो न्याज होती है बड़े अच्छे से उस सभी नागपुर शहर की शांति कामना करते हुए लोग यहाँ पर में आते हैं। सभी समाज और सभी धर्म के लोग इस उर्स में शामिल होते हैं, न्याज में शामिल होते हैं और सिराज भाई ये कराते हैं यहाँ का प्रोग्राम वगैरह सब। तो बहुत खुशी की बात है कि नागपुर शहर के सभी नामी गिरामी सभी अच्छे बुरे सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं और सब लोगों की एक मिक से मुलाकात हो जाती है, एक मौके मुबारकबाद होती है और बाबा का उर्स बहुत शान से मनाया जा रहा है और हर साल जैसा मनाया जाता है वैसे इस साल भी बड़ी शान से मनाया जा रहा है। ये तो हमारी औकात ही नहीं है कि हम करें, ये तो बाबा सरकार का करम है, उसने नवाजा हमको, उसकी खिदमत करना हमारा पेशा है और सभी जायरीन लोग मिल के इस इवेंट को अंजाम देते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ कि जो भी इस बाबा साहब के चाहने वाले जो नए यहाँ पे भूल गए होंगे उर्स का, अभी और 7 दिन बचे हुए हैं, आके हाजिर लगा के इसकी सिफा हासिल करें।